बताइए कुछ अपने बारे में। सर मेरा नाम आशुतोष श्रीवास्तव हुआ, मैं मुजफ्फरपुर ज़िले से हूँ और मेरी 10वीं की पढ़ाई वहीं से JPS से CBSE मीडियम से हुई थी 2010 में। फिर मैंने इंटरमीडिएट किया LS कॉलेज से और फिर सर मैं ग्रेजुएशन NIT पटना से 2017 बैच से किया हूँ सर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में आपने ग्रेजुएशन किया, इसका मतलब इंजीनियरिंग हो गई ना? यस सर, बीटेक। बीटेक। तो टेक्नोक्रेट से आप ब्यूरोक्रेट क्यों बनना चाहते हैं, क्या क्यों रुचि है? सर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन जब मैंने पढ़ाई किया तो फिर सर मैं कोविड के दौरान घर पे था तो देखा काफ़ी सारे माइग्रेंट लेबर्स आए थे और काफ़ी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा था। जैसे सर मैं PDS शॉप पे गया था एक बार तो देखा वहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी रहती थी, उनको खाने के लिए अच्छे से राशन वगैरह नहीं मिल रहा था। तो मैं सोचा सर एज अ टेक्नोक्रैट मैं सोसाइटी के लिए मतलब किसी कंपनी के थ्रू काम कर सकता हूँ, बट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर या सिविल सर्विसेज के थ्रू मुझे काफ़ी वाइडर स्कोप सर मुझे मिलेगा जिससे मैं सोसाइटी को सर्व कर सकूँगा सर। कोई टेक्नोलॉजिकल इनपुट के बल पर, जैसे नंदन नीलकेणी जी ने आधार चालू किया है, इन्वेस्टमेंट ब्यूरोक्रेसी बट ही गेव ए वेरी गुड सॉल्यूशन, सो कैन यू सजेस्ट एनी सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम व्हिच यू हैव जस्ट डिस्कस्ड विद अस? सर आई वुड लाइक टू सजेस्ट वन सॉल्यूशन, लाइक सर वी कैन मेक सम एप्स फॉर सर PDS सिस्टम ऑल्सो through which many poor sections and other people will try to register on that, and then we can easily include all the sections of society in a very effective way sir. And at an all India level we have also some schemes and programs, like Government of India is giving sir nowadays rations to at all India level sir, so people at anywhere can register through biometric and take the benefit of that sir. So I would like to make some apps sir through which more complicated problems will be solved through in an effective and easy way sir. मुजफ्फरपुर जिला के हैं? यस सर। मुजफ्फरपुर जिला की विश्व स्तरीय ख्याति किस लिए है, किन कारण से? सर मुजफ्फरपुर जिला में दो चीज़ मैं बताना चाहूँगा जो काफ़ी प्रसिद्ध है। जैसे वहाँ की सर शाही लीची है जिसको GI टैग मिला है, और सर एक वहाँ की लहठी भी काफ़ी फेमस है जो वर्ल्ड में भी सर कहीं कहीं पे इंडियन कल्चर के लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे भी सर एक्सपोर्ट होता है। लीची जो है एज ए प्रोडक्ट इट इज सेड कि बहुत जूसी है और बहुत अच्छा है, लेकिन इसका वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाया है और हम क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे लीची जो है सारी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जा सके? सर लीची काफ़ी वर्ल्ड वाइड नहीं हो पाया है सर, उसके जैसे प्रोडक्ट को सर हम काफ़ी ज़्यादा सर वो बड़े लेवल पर जैसे हम उसको सर प्रेजेंट नहीं कर पाए हैं, और एड के थ्रू या काफ़ी स्कीम के थ्रू BR गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा नई लीची का अभी तक स्पॉन्सरशिप कर पाई थी, बट सर अभी प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे GI टैग मिला, फिर और रिसर्च सेंटर भी एक खुला है सर मुजफ्फरपुर में। हाल ही में प्रॉब्लम है, अमेरिका का आदमी जानता है कि लीची है, ऑस्ट्रेलिया का आदमी भी जानता है लीची है, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा। क्यों नहीं पहुँच पा रहा है? प्रचार का प्रॉब्लम नहीं है? आपने कहा कि GI टैग मिल गया है, इंटरनेशनल लेवल पर फेमस है सर, एक तो प्रॉब्लम है जैसे सर ये कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर की भी सर वहाँ पे प्रॉब्लम होती है, जैसे काफ़ी दिनों तक हम उसको सेव नहीं कर पाते हैं तो उसके कारण भी सर एक्सपोर्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। और सर जैसे हमारा जो प्रोडक्ट है सर GI टैग मिला है तो अब जाके सर काफ़ी रिसर्च वगैरह हो रही है, तो जूस के भी काफ़ी प्रोडक्ट सर अब एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, और अभी ही सर UK में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लीची को एक्सपोर्ट किया गया है। सबसे मेन रीजन जस्ट आपने बताया, तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं साइंटिफिकली
कि लीची का जो लाइफ है यस सर उसको हम बढ़ा दें। एक तो सर लीची 3 दिन में खराब हो जाती है, जिस दिन टूट रहा है बॉम्बे जाते जाते लीची काली पड़ जाती है, मालूम है बात। यस सर, जब सबसे बेस्ट लीची भी बाहर जाती है yes, तो उसको सेम डे मार्केट में सेल नहीं हुआ तो खराब हो जाती है। ठीक है कुछ yes, तो करना पड़ेगा तभी बात बनेगी। जैसे कुछ इंटरनेशनल लेवल पे जो फ्रूट्स पॉपुलर हैं वो yes, करते हैं, हम लोग क्या ऐसा कर सकते हैं बताइए सर। एक तो जैसा मैंने बताया सर, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा अच्छा कर सकते हैं हम लोग, जिससे उसकी सेल्फ लाइफ बढ़े। और सर दूसरे में जैसे पूसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी वगैरह में, और हमारे यहाँ भी सर जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है उसमें भी सर काफ़ी शोध और अभी रिसर्च चल रही है। और एक सर कुछ AES की भी समस्या उसको लिंक करके बताया जा रहा था हाल फिलहाल में, बट सर उस पर भी थोड़ी रिसर्च चल रही है, तो उसको भी सर देखते हुए साइंटिस्ट लगे हुए हैं कि और अच्छे से इसका जो भी इसमें डिफेक्ट्स है उसको दूर किया जाए और सर अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक्स के छात्र हैं। AI क्या होता है? AI सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका फुल फॉर्म है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर कहते हैं जैसे जब कोई भी मशीन हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक करता है और सर ह्यूमन इंटेलिजेंस के बराबर कैपेबिलिटी रखता है किसी भी टास्क को करने के लिए। लीची से शुरू की है सर, इसलिए हम भी एक लीची पर yes, अपने मुजफ्फरपुर के लीची अनुसंधान के लिए विपणन के लिए कौन सा केंद्र नीतीश कुमार जी के द्वारा बनाया गया था, कहाँ पर अनुसंधान का जैसे आपका बताएं yes, रिसर्चर का सब हो गया है सर? एग्जैक्ट तो नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ, बट शायद सर बेला में बना है, मुसहरी में, सॉरी सर। बहुत फेमस कॉलेज के नाम पढ़ते हैं एलएस कॉलेज, इसलिए कि हमारे एरिया में मेरे पिताजी कहते थे कि डिग्री लो एम एस नौकरी करवाइए और कॉलेज में पढ़ो तो एलएस का कुछ अपना ही महत्व है। क्या एलएस कॉलेज का पूर्ववर्ती नाम क्या था? पूर्ववर्ती नाम तो सर मुझे नहीं पता है सर, सॉरी सर। एलएस कॉलेज में जाते हैं तो प्रिंसिपल के सामने चेंबर के सामने पूर्ववर्ती नाम है, आर्ट ब्लॉक के सामने पूर्ववर्ती नाम है सर, मैं इसको देख लूँगा। अच्छा सॉरी सर, बहुत शानदार चीज़ है वो, अभी हटा नहीं है okay, पूर्ववर्ती नाम, क्योंकि आप स्वयं प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि एलएस कॉलेज में पढ़े हैं। yes, इस कॉलेज की स्थापना कब हुई थी ये आप जानते हैं? यस सर, इस कॉलेज की स्थापना सर 1899 में हुई थी। ये बिहार गवर्नमेंट यस सर के द्वारा या खास करके मुख्यमंत्री जी के द्वारा yes, महिला सशक्तिकरण में लाए गए कौन कौन से प्लान वास्तव में देश में सबसे ज़्यादा सशक्तिकरण की प्रतिशत बिहार से निकाल रही है? यस सर, दो चार प्लान सर इसमें मैं दो चार प्लान बताना चाहूँगा। जैसे सर एक तो मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना है, जैसे सर इंटरमीडिएट में गर्ल्स को पास करने पे 25,000 मिलता है और ग्रेजुएशन में 50,000 मिलता है। एक सर काफ़ी अच्छा पहल सिविल प्रोत्साहन योजना भी है, जिसमें UPSC का प्रीलिम्स पास करने पे 1,00,000 मिलता है और BPSC में 50,000। इसके अलावा सर महिला सशक्तिकरण के लिए सर बालिका ये पोशाक योजना भी है, साइकिल योजना भी है, यही सब है सर। और अभी सर इतना ही याद आ रहा है। राजनीति के क्षेत्र में तो वहाँ जाना चाहिए। यस सर, राजनीति के क्षेत्र में सर जैसे लोकल सेल गवर्नमेंट में 50% रिजर्वेशन देने वाला बिहार ही हमारा सबसे पहला राज्य था सर, उसको फिर काफ़ी राज्यों ने सर सराहा और उसको फॉलो किया। पिछले पंचायती चुनाव में yes, ये 50% आरक्षण yes, महिलाओं के लिए yes, और उसके बाद जनरल से कितने जीत के महिलाएं आ गई, टोटल कितना आ गया महिलाओं का बिहार में, ये बहुत शानदार रिकॉर्ड है। yes, 50 तो उनको मिल ही गया yes, उसके अलावा कितना आगे बढ़ गई सर? एग्जैक्ट नहीं अभी रिकॉर्ड करता हूं। आपका ऑप्शनल क्या है? ऑप्शनल सर सोशियोलॉजी है। इंजीनियरिंग कहाँ से? इंजीनियरिंग सर मेरा NIT पटना से हुआ। कितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं बिहार सर? एग्जैक्ट तो आइडिया नहीं है सर, बट फेमस में सर IIT है, NIT है और एक BIT भी है सर। आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं? यस सर। तो टोपोलॉजी क्या होता है? सॉरी सर, टोपोलॉजी क्या होता है?
टोपोलॉजी सर ज्योग्राफी में पढ़ते हैं तो नहीं नहीं कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन में सर नेटवर्क इस्टेब्लिश करते हैं यस सर उसमें टोपोलॉजी वर्ड क्या है कि सॉरी सर अपडेट लेना स्टार टोपोलॉजी सर आई थिंक वो एग्जैक्ट तो सर नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ बट एज अ गेस सर नेटवर्क जब हम बनाते हैं तो सर उसका वेरियस जैसे स्टार डेल्टा ये सब फॉर्म होता है तो उसके स्ट्रक्चर को शायद सर कुछ उस हिसाब से एग्जैक्ट सर नहीं है जब आप नेटवर्किंग के स्टूडेंट तो जो क्राइम कंट्रोल आजकल साइबर क्राइम यस सर तो जो क्लाउड कंप्यूटिंग है या क्लाउड स्टोरेज है यस सर उसका क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग सर जैसे हमारे डिवाइस के स्टोरेज का ज़रूरत नहीं पड़ता है और किसी भी सर सर्वर को हम लोग एक तरह से सर क्लाउड के हिसाब से मतलब उस पर हम लोग वर्क करते हैं वो मतलब किसी भी डेटाबेस को स्टोर नहीं करना पड़ता है हम लोग को GB फाइल्स वगैरह बचता है और सर जैसे इससे साइबर क्राइम के उसमें सर हम लोग को सिक्योरिटी वगैरह मिल सकती है जैसे अगर हमारे डिवाइस पे सारा काम नहीं हम लोग कर रहे हैं और सारा डेटा नहीं स्टोर कर रहे हैं तो वहाँ से हैकिंग वगैरह सर फिशिंग वगैरह की प्रॉब्लम कम हो सकती है सर तो ये जो आपका सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है यस सर आप इंजीनियरिंग से सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट क्यों ऑप्ट किया क्योंकि आप यदि वो सब्जेक्ट में जाते तो आपका मैक्सिमम चीज़ कवर रहता यस सर तो आप इधर क्यों आए क्या बोले एक तो सर बिहार में सर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का जो है सब्जेक्ट वो नहीं रहता है स्पेसिफिक ऑप्शनल नहीं है यस सर तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एज एन ऑप्शन है सर तो वो लेने पे सर कुछ सारे सब्जेक्ट्स बहुत सारे पावर सिस्टम फिर से बहुत सारे सब्जेक्ट सर अलग हो जा रहे थे और फिर मैंने देखा कि सर सिलेबस भी सोशोलॉजी का थोड़ा छोटा था और सर मेरा इंटरेस्ट भी सोसाइटी में थोड़ा अच्छा रहा है और सर मुझे लगता था शुरू से कि आर्ट सब्जेक्ट में भी मैं अच्छा कर सकता हूँ तो सर मैंने लिया सोशियोलॉजी आज के डेट में जो आपने एग्जांपल दिया ये PDS सिस्टम का यस सर तो उसमें आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूँ कि काफ़ी एडवांस स्टेज में है उसका जो डिजिटल इनोवेशन है बॉस के थ्रू है वेट करिएगा तो आपको पैसा का ऑप्शन आ जाएगा यदि गलत वेट जो PDS सिस्टम वाले दे रहे हैं यस सर उसका अलर्ट फूड एंड कंज्यूमर डिपार्टमेंट को चला जाता है तो जो जिस इनोवेशन का आप बात कर रहे हैं यस सर उस इनोवेशन में एक बाइंडिंग है कि लोगों के पास डिजिटल डिवाइसेस नहीं है नहीं है इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो उसको कैसे आप रिप्लिकेट करना यस सर हमारे यहाँ सर जैसे अभी भी काफ़ी लोगों के पास मोबाइल नहीं है और डिजिटलाइजेशन की समस्या है तो उसको दूर करने के लिए सर जैसे हम लोग लोगों में सर अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं और नहीं अवेयर है लोग हम लोग से ज़्यादा लोग अवेयर है कि हमको कैसे मिलेगा यस सर उनको फैसिलिटेट कैसे करिएगा जो आपका मेन क्वेश्चन था कि लोगों को ऑनलाइन हम मोबाइल के थ्रू कहीं से वो करें वन राशन वन कार्ड का आप बात कर रहे थे यस सर एक तो सर जैसे अभी काफ़ी जैसे कंपनीज़ भी हैं रिलायंस हो गई जैसे और भी हैं तो वो सर काफ़ी टेक्नोलॉजी अभी ला रही है जिससे काफ़ी सस्ते मोबाइल फ़ोन्स भी आएंगे मार्केट में एंड्रॉयड वाले तो उससे भी सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ कोलैबोरेशन करके उसको डिस्बर्स करा सकती है लोगों में जिनके पास नहीं है और सर बाकी फाइनेंशियल लिटरेसी वगैरह के लिए हम लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन पर काफ़ी कुछ किए हैं तो और भी सर उनको फाइनेंशियली इंक्लूड करके और सेमिनार्स वगैरह सर या शिविर करके उनको बता सकते हैं सर कि ऐसे ऐसे इसका फ़ायदा है और MGNREGA में भी सर काफ़ी अभी इसका यूज़ हो रहा है अटेंडेंस वगैरह के लिए तो धीरे धीरे लोग जान ही रहे हैं और सर यूज़ टू हो जाएंगे तो और अच्छे से सर उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं समाज शास्त्र रखे हैं तो समाज शास्त्र पर तो हम लोग कुछ ये समाज शास्त्र yes. संस्कृतिकरण यस सर बताएं सर संस्कृताइजेशन सर MN श्रीनिवास ने दिया था कॉन्सेप्ट था सर जैसे जो भी लो कास्ट के लोग हैं या ट्राइबल्स हैं जो बैकवर्ड हैं थोड़ा वो सर जब अपर कास्ट और ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन उस समय के हिसाब से
और उनके ट्रेडिशन कस्टम वैल्यूज़ नॉर्म्स को जब फॉलो करने लगते हैं तो उस प्रोसेस को सर संस्कृताइजेशन कहते हैं। इससे सर सोसाइटी में सोशल मोबिलिटी आता है और काफ़ी चेंजेस आते हैं, और जैसे लोअर सेक्शन के लोग सर ऊपर उठने के लिए काफ़ी इसका इस्तेमाल करते हैं। ये लोअर सेक्शन आपका है इस तरह स्वतंत्रता पूर्व या स्वतंत्रता के बाद बिहार में ऐसा मोबिलाइजेशन ऐसा संस्कृति कब देखने को मिला बिहार में? संस्कृत है स्वतंत्रता के पूर्व या स्वतंत्रता के बाद? स्वतंत्रता के पूर्व वाला ही बताइए, जब लोअर कास्ट लोगों का संगठन बनने लगा था, बड़ा फेमस हुआ था कांग्रेस के अगेंस्ट खड़ा होने के लिए। यस सर, जैसे जयप्रकाश नारायण का एक बनाते थे और मंडल कमीशन समाज की बात है। एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जो बिहार का डेवलपमेंट का लोगो है या ये है ऑब्जेक्टिव है डेवलपमेंट विद जस्टिस सुना होगा, इसका क्या महत्व है और क्या मायने है? मतलब प्रोजेक्ट है क्या डेवलपमेंट विद जस्टिस? बिहार कहाँ खड़ा है सर? डेवलपमेंट विद जस्टिस में काफ़ी सारे डायमेंशंस कवर होने हैं। जैसे सर इकोनॉमिक टर्म्स पे हमारा ग्रोथ काफ़ी अच्छा हो रहा है तो उसके लिए भी डेवलपमेंट है, और सोसाइटल टर्म्स पे भी सोशल जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी दूर करने का विज़न है बिहार सरकार का। और सर पॉलिटिकली एम्पावरमेंट भी मिल ही रहा है, काफ़ी वल्नरेबल सेक्शंस और जो भी रिजर्वेशन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के थ्रू। और जस्टिस की जहाँ तक सर बात है तो जस्टिस में सर जो भी सर जैसे SC/ST हैं या और भी दलित्स हैं उनके जो भी राइट्स हैं वैल्यूज़ हैं उनको भी सर फोरफ्रंट पर लाने मतलब मेन स्ट्रीम सोसाइटी में हम लोग लाने का कोशिश कर रहे हैं, यही बिहार सरकार का भी विज़न है। और एक अच्छा सर हम लोग स्टेट बनाएं जहाँ पे इंक्लूसिव ग्रोथ हो और डेवलपमेंट विद जस्टिस हो। सर थैंक यू सर।